alaikum. dear students. This is lecture number thirty-eight of the database management system course. The course code is CS four hundred three. In the previous lecture, we were discussing about the indexes. What is the purpose of indexes? The purpose of indexes is efficient retrieval of data from the database. Because otherwise, we will have to access the data sequentially. Because we know that the data is stored in the order of the primary key generally and when we need to access the data on the basis of value uh, of an attribute other than the key in that situation if we do not have the indexes then we will have to access the data sequentially and that will take time and that would create inefficiency so index files or the indexes are basically used टू प्रोवाइड द एफिशियट एक्सेस ऑफ द डाटा और जो इंडेक्सेज हैं वो जब आप डिफाइन करते हैं किसी भी टेबल के ऊपर थ्रू द क्रिएट इंडेक्स कमांड और उसके नतीजे में एक इंडेक्स फाइल क्रिएट होती है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स फॉर द इंडक्स फाइल्स सो वील स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट So let's start today's lecture. One of the approach of implementing the index files or indexes is the inverted file. The attribute on which we want direct access, inverted file is created on that field. File is set to be inverted on that field. More than one inversions or inverted files can be created.

िएट एन इंडेक्स ऑन एनी एट्रीब्यूट अब इसके अंदर है क्या और ये काम कैसे करती है इसके लिए ये आपके सामने इस वक्त कुछ डाटा आपको नजर आ रहा है और इसमें आप अगर आप देखें कि इसमें आपके पास आपके सामने मुख्त रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं इसमें अगर आप एक चीज नोट कीजिए कि द रिकॉर्ड्स आर स्टोरड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी की वैल्यूज और आपको ये उस तरतीब में नजर आ रहे हैं लेट्स से वी वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम तो अगर ये जो इंडेक्स है ये क्रिएट होता है थ्रू द इवर्टेड फाइल और थ्रू एन इन्वर्जन तो क्या होगा देखिए इन्वर्जन ऑन स्टूडेंट नेम अभी आपके सामने एक फॉर्मेट है या आप कह लें डाटा है जो कि होगा एक इन्वर्टेड फाइल के अंदर इस पर अगर आप देखें कि आपको दो कॉलम नजर आ रहे हैं

तो जो आप इन्वर्टेड फाइल है उसमें वो जिस एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम पे क्रिएट कर रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट फ्रॉम ऑल द रिकॉर्ड्स, इट विल बी स्टोर्ड इन द ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में चाहे वो असेंडिंग है चाहे डिसेंडिंग है इट डिपेंड्स वट ऑप्शन यू गिवन वाइल क्रिएटिंग द इंडेक्स फाइल तो अगर आपने इंडेक्स का अगर आपने असेंडिंग कहा हुआ है तो नेम्स विल बी स्टोर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर अगर आपने कहा हुआ है कि डिसेंडिंग तो उस केस में दीज नेम्स विल बी स्टोर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद देखिए जो सेकेंड कॉलम है इट कंटेन्स द रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द नेम स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट इन द टेबल यानी अगर आप देखें पहले कॉलम को इसमें आप देखें तमाम नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और असेंडिंग ऑर्डर में मिसाल के तौर पर एंड लाइक दैट ऑल ऑफ उसके बाद वो रिकॉर्ड जिनमें आपके पास स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट की ये वैल्यू है जो वैल्यू यहां पे लिस्टेड है ऑर्डर में उस रिकॉर्ड का रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर यानी कि रिकॉर्ड नंबर से है कि जहां से फाइल स्टार्ट हो रही है अगर आप देखें अब अमजद हमारे पास दो है इतफाक से वो ऐसा हुआ रिकॉर्ड एंटर करते हुए अमजद अमजद दोनों पहला दूसरा रिकॉर्ड बन गए ये जरूरी नहीं है कि वो पहला ही होता, लेकिन इतफाक से ऐसा हो गया तो इसमें ये आपको बता रहा है कि जो पहला आपका रिकॉर्ड है वो अमजद है और वो पहली पोजीशन पे है उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जो कि नाम के बेसिस बनता है वो भी अमजद है इतफाक से वो दूसरी पोजीशन है अगेन दिस दिस इज जस्ट बाय चांस फिर नाम के बेसिस पे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड बनता है वो है आर एफ जिया का जी एक्चुअल पोजिशन ऑफ द रिकॉर्ड हैविंग व वैल्यू इन द स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट इज फोर्थ वन लेकिन अगर आप उसको नेम के लिहाज से देखें तो नेम के लिहाज से उसकी पोजिशन बनती है जो उसको ऑर्डर बनता है दैट इज ऑन द थर्ड प्लेस क्योंकि वह अमजद के बाद आरिफ जिया बनता है अल्फाबैटिकल ऑर्डर में तो आगे लिखा हुआ है कि वो रिकॉर्ड जो है वो चौथे नंबर पर है अपने टेबल के अंदर इसी तरह से उसके बाद हमारे पास इसी तरह हम नामों को जब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखे तो उसके बाद आता है मोहम्मद अली एम अली अब इसकी जो पोजीशन है इस टेबल के अंदर फाइल के अंदर वो है सिक्स लाइक वाइज उसी तरह से सादिया अजीज़ का जो रिकॉर्ड है ओरिजिनल टेबल में वो सेवन्थ है शुएब अली का एट्थ है उसके बाद बारी आती है सुहेल डार की तो रिकॉर्ड ऑफ द सुहेल डार इज़ एट पोजिशन फाइव इन द टेबल इसी तरह जो आखिरी रिकॉर्ड है जो कि हमारे पास आठ रिकॉर्ड है वह ताहिरा एजाज का एंड लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हैविंग दिस वैल्यू इन द स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट इज थ्री अब देखिए कि इसमें अगर आप एक चीज गौर करें कि आपने जो चीज इन्वर्टेड फाइल में स्टोर की हुई है वो सिर्फ उसी एट्रीब्यूट की वैल्यू है जिस जिसपे आपने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है और उस वैल्यू के साथ साथ उस वैल्यू के रिकॉर्ड का जो रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर है जो पोजीशन है फाइल के अंदर वो लिखी हुई है इसका एडवांटेज आपको फौरन समझ आ गया होगा कि रादर देन डुप्लीकेटिंग द एंटायर फाइल देर कुड बी 10, 12, 25, 30, 40, 50 फिफ्टी इन द फाइल तो वी आर नॉट डुप्लीकेटिंग द एंटायर डाटा जैसे कि हमने ऑप्शन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि वी आर नॉट कॉपिंग वी आर नॉट डुप्लीकेटिंग द एंटायर डाटा रादर वी आर जस्ट कॉपिंग वी जस्ट स्टोरिंग व वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट ऑन विच वी आर क्रिएटिंग द इंडेक्स तो सिर्फ उसकी वैल्यू स्टोर्ड है और साथ ही जैसा कि आपको मैंने बताया कि वह उस एट्रीब्यूट की वैल्यू उस रिकॉर्ड का नंबर जो कि उसके साथ बनती है अब यह आपको तो नजर ये आ गया कि स्टोरेज वाइज एफिशेंट हो गया कि आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टोर की हुई है दूसरी बात यह कि आप फर्ज करें कि अगर आपने नाम के बेसिस पे एक्सेस करनी है फर्ज कर आपने कहा कि फ्रॉम uh, स्टूडेंट वेयर एस टी नेम इज इक्वल टू साधिया नो रिकॉर्ड आपके स्टोर्ड है जो आपका टेबल है उस पर रिकॉर्ड स्टोर्ड है स्टूडेंट आई डी के बेस पे द कमांड दैट यू गिवन इट वॉन्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट इट वॉन्ट्स टू सेलेक्ट सर्टन रे रोज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम अब चूंकि आपके पास तरतीब तो है स्टूडेंट आई डी की द ओनली ऑप्शन इन द एबसेंस ऑफ इंडेक्स फाइल एस टू सर्च ऑल रिकॉर्ड सिक्वेंशली क्योंकि साधिया का रिकॉर्ड जो है वो आई डी की वजह से पहला भी हो सकता है और वह आखिरी भी हो सकता है दरम्यान भी कहीं हो सकता है उसके लिए द ओनली ऑप्शन विद इन द एबसेंस ऑफ इंडेक्स फाइल टू सर्च ऑल द रिक्ड सिक्वेंशियली लेकिन अब नॉल यू हैव गॉट द इंडेक्स फाइल तो रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू द टेबल टू द डाटा यूर फर्स्ट कंसर्ट दाइल वहां पर आप साद दिया का नाम ढूंढेंगे अब जाहिर है कि अब आपके जहन में यह सवाल भी आएगा कि अगर हमें ढूंढना ही है तो यहां भी तो हमें ढूंढने की जरूरत पड़ गई है लेकिन बात यह है कि इंडेक्स फाइल के अंदर से या जो भी उसमें एक पर्टिकुलर एंट्री को ढूंढना जो है इट कैन बी वेरी वेरी एफिशियंट देखें मिसाल के तौर पर जैसे इवन जैसे यहां पर हमारे पास इन्वर्टेड फाइल है इसमें बहुत सी अप्रोचेज जो हैं आपके पास वो हो सकती हैं इसको एफिशिएंट बनाने के लिए मिसाल के तौर पे एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप जो नाम है जो फर्स्ट लेटर लेट से सादिया है या एस है उसकी बेस पे आप हैशिंग अप्लाई कर लें तो आप डायरेक्टली उस जगह जा सकते हैं जहाँ से कि एस से एस की या साध की एंट्री स्टार्ट हो सकती है दूसरी बात यह है कि हमारे पास वाइन रिसर्च भी मौजूद है उसके आप मदद ले सकते हैं इवन अगर सिक्वेंशल भी करना हो चले वर्स्ट कम वर्स्ट अगर हम कहें सिक्वेंशल भी करना है तो आपको जो है वो ये इस बिकॉज इसमें रिकॉर्ड साइज छोटा है इसमें सिक्वेंशल सर्च भी बहुत एफिशिएंट होगी हालांकि सिक्वेंशियल सर्च होगी नहीं इवन देन मैं आपसे कह रहा हूं अगर सिक्वेंशल भी हो मतलब इन द वर्स्ट केस तब भी वो टेबल के अंदर सिक्वेंशल सर्च से ज्यादा एफिशिएंट होगी

सीमल, जिसकी स्पेलिंग है एस डबल ई ए साधिया स्पेल्स एस ए डी आई ए, एंड सीमल इज एस डबल स्मॉलर एंड एस ई इज लार्जर बिगर तो जैसे ही यू रीज एस ई और यू डेंट फाइंड एस ए नो इट इज कंफर्म्ड दैट देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ साधिया इन द टेबल, क्यों क्योंकि अगर वो होता तो सादियार का रिकॉर्ड सीमल से पहले होना चाहिए था क्योंकि वो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उससे पहले आना था इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इंडेक्स फाइल का एडवांटेज ये भी हुआ कि आपको अगर एक रिकॉर्ड ने मिलना है तो उसकी जो ट्रेस है उसकी जो इंडेक्स फाइल में एंट्री है वो एक ख़ास लोकेशन पे एक ख़ास ऑर्डर में होनी चाहिए अगर वहां नहीं है तो फिर उसके बाद

इसका मतलब है कि आपके टेबल में आमिर का रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है तो इस तरह से वो जो सीक्वेंशल सर्च की जहमत है वेयर इज अ पॉसिबिलिटी कैसे आप सिक्वेंशल सर्च में क्यों आप पूरी टेबल को देखते हैं इसलिए कि उससे होता यह है कि जो आपकी डिजायर्ड कंडीशन है उसका रिकॉर्ड पूरी टेबल में पूरे रिलेशन में किसी भी जगह पे हो सकता है जबकि तो इंडेक्स फाइल में जब आपने नेम पे उनको सॉर्ट कर लिया सिर्फ नेम्स को तो अब उसके बाद यह कि जब आपने एक नेम क्रॉस कर लिया उससे बड़ा नेम आ गया और वो नाम नहीं मिला तो अब कंफर्म है कि टेबल के अंदर वो नहीं मिलेगा और एक और चीज में ये रखिएगा कि अब आप ये आपको एडवांटेज तो नजर आ गया कि भाई वो फाइन दिस इज एडवांटेज बट देर इज डेफिनेटली सम ओवर एज वेल ओवर क्या है पहली बात है कि स्टोरेज वाइज ये जो आपकी इन्वर्टेड फाइल है दिस इज अ सेपरेट फाइल तो ये एक आपकी जगह लेगी

दट हैज़ टू अपियर इन द इंडेक्स फाइल एट द अप्रोप्रिएट प्लेस मिसाल के तौर पर अगर आप रिहाना का रिकॉर्ड एंटर करते हैं और फर्ज करें कि रिहाना का रिकॉर्ड जो है वो आपका आखिरी रिकॉर्ड बनता है अपनी आई डी की बेस पे तो उसको भी आपको रिहाना का रिकॉर्ड तो आप टेबल में लिख देंगे बट एट द सेम टाइम यू विल मेक एन एंट्री इन द इंडेक्स फाइल विद द नेम रिहाना एंड ऑल्सो प्लेस एट सेट पोजिशन द टेबल क्योंकि ये आखिरी रिकॉर्ड है तो इसके मतलब ब्लड से नाइन बन जाएगी तो ये बात जहन में रखिएगा कि नथिंग कम्स फॉर फ्री अगर आपको इंडेक्स फाइल जो है वो एक फैसिलिटी दे रही है साथ ही इसके इट इज इंट्रोड्यूसिंग सम ओवरहेड अब यहां पे एक और एग्जांपल है इन्वर्टेड फाइल की दैट इज इन्वर्जन ऑन द स्टूडेंट एड्रेस इस पर अगर आप देखें सबसे पहले जो रिकॉर्ड हमारे पास है इन्वर्टेड फाइल में वो नल का है क्योंकि ये सबसे स्मॉल वैल्यू कंस्टिडर होगी इसकी इस रेफरेंस से तो नल और वो सेवंथ पोजिशन पे बिकॉज वी हैव नॉट एंटर द एड्रेस इन द सेवंथ रिकॉर्ड तो वो पहले नंबर पे आ गया उसके बाद चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो डिजिट्स हैं वो अल्फाबेट से पहले आते हैं इसलिए वो पहले हमारा वो रिकॉर्ड आ गया जिसमें था लाहौर दिस रिकॉर्ड इज प्लेस्ड एट द वन पोजिशन जो रेल्टी पोजिशन उसकी फिर उसके बाद था ए जे रोड इसकी आप देखिए अल्फाबेटिकल जो स्कॉर्डर बनता है वो तीसरी पोजिशन पे है एंड लाइक दैट ठीक है अब इससे आपको नजर आ गया कि ये आपकी जो अगर आपने इन्वर्जन क्रिएट की हैं इंडेक्स फाइल थ्रू इन्वर्टेड फाइल्स क्रिएट की हैं तो इस तरह से जितने आप एट्रीब्यूट्स के ऊपर यू विल क्रिएट द इंडेक्सेस इफ इंडेक्सेस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू इन्वर्टेड फाइल्स तो इस तरह की जो इन्वर्टेड फाइल्स हैं दे विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी इंडेक्स तो अब जो इसमें ओवरहेड ओवरहेड इन्वॉल्व है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन दिस केस लेट्स यू हैव क्रिएटेड टू इंडेक्सेस ऑन टू डिटीट्यूट्स एक हो गया वो जो आपका वैसे ही हो गया प्राइमरी की, की बेस पे जो आपने प्राइमरी की डिफाइन की हुई थी तो दैट वॉज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाई द डी बी एम एस ये आपने खुद से एक्सप्रिसिटली दो क्रिएट कर लिए सी वेन एवर यू मेक एनी चेंज इन द रिकॉर्ड्स आप किसी uh, किसी का आप डाटा चेंज करतेवन देखें फर्ज करें इफ यू चेंज द एड्रेस ऑफ ए स्टूडेंट तो उसका एड्रेस तो चेंज होगा टेबल के अंदर लेकिन जो उस नए एड्रेस के साथ इस रिकॉर्ड की जो पोजीशन बनती है रिलेटिव इंडेक्स फाइल के रेफरेंस से वो भी एडजस्ट होगी फिर और जो प्रीवियस एंट्री है वो रिमूव होके या वो रिप्लेस होके अपनी नई जगह पे जाएगी तो इसलिए जो मैंने आपसे बात की थी कि हैविंग इंडेक्सेस इज फाइन दे प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस बट यू आल्सो हैव टू कीप इन माइंड ओवरहेड जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है

इंडेक्स सिक्यूशन फाइल एंडल ऑर्गेनाइजेशन इसमें यह है कि जो आपकी इंडेक्स फाइल है डीबीएमएस uh, और जो आपका एक्सेस मैथड है जो आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो दैट इज ज्वाइंटली मैनेज बाई दिस्टम एंड दीबीएमएस तो अब इसमें होता ही है कि जब हमने ये कहा कि जो आपकी इंडेक्स फाइल को रेफर करेगा डीबीएमएस खुद करेगा ठीक है और उसमें उसने जो आपका रिकॉर्ड ढूंढना था उसको उस फाइल जो आपकी इंडेक्स फाइल थी लेट्स से वो इन्वर्टेड फाइल थी उसमें से डीबीएमएस ने सर्च किया उसको और ये मैं आपको मतलब अभी तो आपको मैं आ, मतलब कंफर्म है कि इट इज नॉट एक्सेस सिक्वेंशली देर आर वेरी एफिशियंट मैथड्स जैसे आपको एग्जाम्पल दी थी कि वो हैशिंग है भी हो सकती है वो बाइनरी सर्च भी हो सकती है और उसके और भी किस तरीके हो सकते हैं कि जिसके जरिए इंडेक्स फाइल के अंदर भी इवन जो आपका डीबीएमएस है वो अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को एफिशियटली ढूंढता है ठीक है तो सिक्वेंशल अंदर उस वैल्यू को ढूंढ के वो जो उसका रेलिव रिकॉर्ड नंबर है दैट वुड बी हैंडेड ओवर टू द एक्सेस मेथड या आप ये कहें जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसके मतलब वो हवाले हैंड ओवर कर देगा और वो फिर जो आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो इसको मैप करेगा अपनी जो एक उसकी अरेंजमेंट है रिकॉर्ड्स की उसके रेफरेंस से वो फिर उसको एक्सेस करेगा चाहे वो उस पर हैशिंग अप्लाई कर रहा है चाहे वो उस पर इंडेक्स सिक्वेंशन है या इंडेक्सिस क्रिएट किए हुए या ट्री के जैसे भी कर रहा है वो देन इट देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सेस मैथड द फाइल ऑर्गेनाइजेशन कि वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जाके एक्सेस करे और वो उसको वैल्यू रिटर्न करे

यू कैन हैव मल्टीपल इन्वर्टेड फाइल्स ठीक है फॉर द सेम टेबल एक बार और यह पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास मल्टीपल इंडेक्सेज है एक इन्वर्टेड फाइल के जरिए इंप्लीमेंटेड जर है एक किसी और तरीके से अनलाइक दैट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड अप्रोच ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंडेक्स फाइल्स और ये जैसे मैं आपसे कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द लिंक लिस्ट दैम सेल्व वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस हाउ दे आर यूज टू इंप्लीमेंट

और जैसे लिंक लिस्ट के अंदर आप अपने डाटा के साथ एक एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट स्टोर करते थे टू स्टोर द लिंक वही आइडिया यहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नो द फिजिकल रिकॉर्ड वट एवर यू स्टोर इन द फिजिकल रिकॉर्ड बट यू विल स्टोर वन फील्ड टू स्टोर द लिंक या पॉइंटर चेन तो उसके जरिए आप रिकॉर्ड को आपस में लिंक करेंगे रिलेटिव एड्रेसेज आर यूज्ड और उससे तो फिर यह है कि आप रिलेटिव इंडस्टिस के जरिए उनको आपस में आप लिंक करेंगे जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है वही जो हमारे पास डाटा पिछले उसमें स्लाइड पे हमने देखा था हियर यू आर सीइंग एट द एंड ऑफ द स्लाइड रदर द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्लाइड इज पॉइंटर नाउ दिस इज ए पॉइंटर दैट इज बीइंग यूज्ड टू स्टोर द ऑर्डर ऑफ़ द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम वैल्यू यानी जो स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है उस वैल्यू के बेस के ऊपर ये रिकॉर्ड्स का ऑर्डर जैसे स्टोर किया हो मिसाल के तौर पे, अगर आप देखें जैसे हमारा पहला रिकॉर्ड जो था वो तो चूंकि पहला रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू हमें अलग से स्टोर करनी है वो जैसे लिंक लिस्ट में आप हेड को स्टोर करते हैं इसी तरीके से पहला रिकॉर्ड जो होगा उसकी वैल्यू आप स्टोर करेंगे एक अलग एट्रीब्यूट में फर्ज करें हमने कहा अमजद वाज आवर फर्स्ट रिकॉर्ड तो वो उसको हमने अलग से किसी एक एट्रीब्यूट में किसी एक प्लेस में स्टोर किया हुआ होगा अब जब पहले रिकॉर्ड पहुंचेंगे दिस रिकॉर्ड कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नेम्स क्या होगा कि फर्स्ट रिकॉर्ड में लिखा हुआ है टू इसका मतलब यह है कि जो नेक्स्ट uh, पोजिशन बनती है रिकॉर्ड नंबर टू की बनती है जब रिकॉर्ड नंबर टू में जाएंगे वो भी अमृत का रिकॉर्ड है उसके पॉइंटर में क्या लिखा हुआ है फोर इसका मतलब यह है कि नेम की बेसिस में ऑर्डर वाइज जो नेक्स्ट रिकॉर्ड बनता है वह है रिकॉर्ड नंबर फोर फोर पे जाके देखें वहां लिखा हुआ है सिक्स सिक्स पे गए वहां लिखा हुआ है सेवन सेवन पे लिखा हुआ है एट और एट पे रिकॉर्ड पे जब जाते हैं वहां लिखा हुआ है फाइव फाइव पे लिखा हुआ है थ्री और थ्री पे लिखा हुआ है जीरो जीरो या नल इसका मतलब यह है कि दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस लिस्ट यानी इस ऑर्डर में वो लास्ट रिकॉर्ड है इसका मतलब ये होगा कि जब आपको नेम के बेसिस पे सर्च करनी है तो अगर आप सिक्वेंशल कर रहे हैं तो आप इस चेन को फॉलो करते चले जाएंगे तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड उस सीक्वेंस में मिल जाएंगे अब अगेन देखिए इसमें वही फायदा क्या आप फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैं महमूद का रिकॉर्ड सर्च करूं महमूद का तो अगर आप इस चेन को भी फॉलो करते हैं तो जो ही आप पहुंचते हैं मोहम्मद अली क्रॉस करके आप पहुंचते हैं सादिया ज़िया पे नौ सदिया स्टार्ट्स विद एस और आप ढूंढ रहे हैं महमूद एम ए जो सादिया पहुंचे यू डेंट फाइंड महमूद तो अब ये आप समझ जाएं अपनी सर्च को यहीं पे रोक लें बिकॉज नॉट इज़ कन्फर्म कि महमूद इसमें नहीं है तो इस तरह से आपको एक तो ये एडवांटेज हो जाएगा कि आपको इस आपको जो नाम नाम है वो आपको सीखों साहब मिल जाएंगे तो आपको जो सर्च करने में आसानी होगी और दूसरी बात मैंने आपसे ये भी कही थी कि अगर आप ये फील करें कि यहां पर भी हमारे पास सिक्वेंशल सर्च इन्वॉल्व हो गई है चाहे वो नेम के लिहाज से ऑर्डर में ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी सिक्वेंशियल तो हो गई तो उसका मैंने आपसे कहा कि उसमें ये हो सकता है मिसाल के तौर पे कि आप जो फर्स्ट रिकॉर्ड है किसी भी लेटर का उसके बेसिस पे या हैशिंग कर लें या उसकी बेसिस पे आप उसको ट्री में या उसको इन्वर्टेड फाइल की फॉर्म में सेव कर लें तो पहले रिकॉर्ड जो है फर्ज करें जैसे हमारे पास है मोहम्मद अली तो फर्ज करें अगर ये एम से स्टार्ट होने वाला पहला रिकॉर्ड है तो इसका एड्रेस इसको आप किसी इन्वर्टेड फाइल में स्टोर कर लें कि जी जो रिकॉर्ड नंबर सिक्स है वो एम का पहला रिकॉर्ड है और यहाँ से जो बाकी चेन है यानी कि जितने भी मोहम्मद अली के बाकी यानी नाम है उनके आप इसमें चेन बना सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है तो कहने का मतलब ये कि आपको जो ड्रॉबैक्स नजर आते हैं जिस सिचुएशन में तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उस सिचुएशन में आप यही ऑप्शन लें उस सिचुएशन में आप कोई और ऑप्शन ले लें क्योंकि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि इस कोर्स के दौरान यू आर स्टडिंग डिफरेंट ऑप्शन फॉर डिफरेंट थिंग्स अब किस सिचुएशन में आप एक चीज की मल्टीपल ऑप्शन में से एक पर्टिकुलर ऑप्शन लेते हैं दैट इज योर डिसीजन और वो आप करेंगे कि एनालाइजिंग योर ऑन एन्वायरमेंट तो दिस इज हाउ द पॉइंटर्स आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट इंडेक्स हेड पॉइंटर नीड्स टू बी स्टोर जैसे मैंने आपसे कहा था पॉइंटर्स फॉर मल्टीपल फील्ड कैन बी क्रिएटेड यानी जैसे अभी हमने यहां पर एक पॉइंटर फील्ड एड किया था वेन वी क्रिएटेड द इंडेक्स ऑन द बेस ऑफ नेम फर्ज करें जैसे हमने पहले किया था कि हमने नेम पे और एड्रेस uh, दोनों पे हमने इन्वर्टेड फाइल क्रिएट की थी लाइकवाइज हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हम एक और जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट कर लेंट से एड्रेस की बेसिस पे तो इस तरह से उसमें यानी वो दो पॉइंटर्स जो उसमें वो ऐड हो जाएंगे जिस तरीके से वी कैन इंक्लूड मल्टीपल पॉइंटर्स इन द फिजिकल रिकॉर्ड या हमारे पास जो फाइल uh, uh, की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर लिस्ट क्योंकि okay, प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल देखी थी उसमें आपने देखा था कि जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड था दैट कंटेन्स जीरो और नल इट मीन्स कि दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस चेन या जो नेम की आपकी चेन है उसका यह लास्ट रिकॉर्ड है लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यू कैन प्लेस द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेम इन द लास्ट रिकॉर्ड यानी जहां पे हमारे पास जीरो था रिकॉर्ड नंबर थ्री में हमारे पास जीरो था हम रिकॉर्ड नंबर थ्री में वी कैन ऑल्सो प्लेस वन इससे क्या होगा कि इट बिकम्स ए सर्कुलर लिंग लिस्ट और ये आप डाटा स्ट्रक्चर में डेफिनेटली पढ़ चुके हुए हैं कि सर्कुलर लिंग लिस्ट का फायदा आपको ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर खड़े हों तो आप वहां से फर्दर मूव कर सकते हैं कि आप दोबारा चेन फॉलो कर सकते हैं अदरवाइज क्या होता है कि आपको सर्च करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द हेड नोड या हेड जो आपका रिकॉर्ड वहां स्टार्ट करना पड़ेगा तो इस जो पॉइंटर्स के थ्रू इंप्लीमेंटेशन है इंडेक्स की यू कैन मेक इट सर्कुलर एंड एट द सेम टाइम जो दूसरी ऑप्शन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप इसको डबल लिस्ट भी कर सकते हैं डबल लिस्ट में बात यही है कि हर नोड के ऊपर आपके पास मतलब नेक्स्ट का भी नेक्स्ट uh, uh, का भी आपके पास पॉइंटर है और प्रीवियस का भी है तो आपको पता है चीज़ का इसका डबल इंग्लिश का आपको एडवांटेज यह है कि आप किसी भी जगह पे अगर खड़े हैं तो वहां से आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और वहां से बैकवर्ड भी जा सकते हैं तो ये ये तमाम ऑप्शन यू कैन इंप्लीमेंट इट यस डबल इंग्लिश डी स्टूडेंट्स नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्री इंडेक्स ट्री इंडेक्स से हम राज है कि हम इंडेक्स फाइल को इंप्लीमेंट करें थ्रू ट्रीज इस कॉन्सेप्ट को वी हैव डिस्कस टू सम एक्सटेंट इन द इंडेक्सड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर भी हमने जब इंडेक्स की बात की थी तो वो हमने जो है वो एक ट्री की ही बात की थी लेकिन मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम जो डाटा स्टोरेज के और इंडेक्सी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे नो दिस इज द टाइम एंड अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द ट्रीज देप्थ बल्कि जिस तरीके से इंडेक्स इंप्लीमेंट होता है यूजिंग ट्रीज उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडेक्स इज मैंटेड इन ए हरिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नोट्स ईच नोड स्टोर की वैल्यूज एंड पॉइंटर्स नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स जैसे आपने देखा था इन्वर्टेड फाइल में वो एक उसका क्या स्ट्रक्चर होता है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू और उसका रैलिटी वॉर्डर यही सूरत हाल अब हमारे पास जो ट्री इंडेक्स है उसमें भी ऐसा ही है कि आपका ट्री क्या है कि नोड्स हैं और वो आपस में लिंक हैं एक दूसरे के साथ थ्रू डिफरेंट लिंक्स तो यहां पे जो हमारे पास एक नोड है ट्री का उस पे क्या स्टोर है जैसा कि यहां बताया गया कि उसके अंदर स्टोर है एक तो वो की वैल्यू के जिस की वैल्यू का आप यानी सर्च करना चाहते हैं और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास पॉइंटर्स यहां कह लें कि जो कि को पॉइंट करें ये एक जनरल आइडिया है इसकी डिटेल जो है वो अब हम, हम देखने जा रहे हैं लेकिन एक जनरल आइडिया यही है कि आपके पास रेक्टर स्ट्रक्चर है कि टॉप पे आपका रूट हो गया और फिर आगे उसकी ब्रांचेज हो गई उसके चिल्ड्रन हो गए और फिर वो यही है कि आप उसमें लिंक्ड है और हर नोट जो है उसमें की की वैल्यूज हैं और साथ ही उनके डिफरेंट पॉइंटर्स हैं तो ये एक बेसिक आइडिया है ट्री इंडेक्स का इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप आप आगे देखेंगे वेल यस दिस इज कॉमन विद ऑलमोस्ट ऑल ट्रीज के देर इज अ स्पेशल नोट द रूट नोट ईच नोड हैज ए पेरेंट नोड बट द रूट नोड नोट जहां रूट नोड का पेरेंट नोड नहीं होता एंड हैज़ वन और मोर चिल्ड्रन हर नोड के चिल्ड्रन होते हैं एक्सेप्ट द लीफ नोड्स लीफ नोड्स का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एग्जिस्ट ट्रीज की डिफरेंट टाइप्स हैं आपने डेफिनेटली पढ़ी हैं इसमें आपने बाइनरी ट्रीज हैं और बैलेंस ट्रीज हैं और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रीज की द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री दैट वी आर गोइंग टू यूज इन

तीन कीज आ सकती हैं तो उसमें चार पॉइंटर आएंगे इसी तरह अगर फर्ज किया उसमें दस कीज आ रही हैं तो उसके अंदर ग्यारह पॉइंटर्स आएंगे नंबर ऑफ पॉइंटर्स इन ए नोड इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ट्री के इस का जो ऑर्डर है वो क्या है और इसमें जो इसकी खास बात वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑल लीफ नोड्स फ्रॉम द रूट इज सेम और दिस इज समथिंग दैट इज स्पेसिफिक विद दिस बी ट्रीज या बी प्लस ट्रीज कि जो आपका डिस्टेंस है डिस्टेंस आप मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिंक्स बिटवीन द नोड्स। तो जितने भी आपके लीफ नोड हैं वो रूट नोड से सेम डिस्टेंस पे होंगे और ये स्पेशल प्रॉपर्टी है बी प्लस ट्रीज की अब जैसे मैंने आपसे कहा है कि नोड जो है उसमें कीज हैं और उसमें पॉइंटर्स हैं तो इनका पस में लिंक ये है कि जो आपकी जो आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा उन नोट्स को कि जिन में फर्स्ट की से कम की जो ना वो कीज को पॉइंट करेगा और जो उसके राइट right वाला होगा वो होगा इससे बराबर या ज्यादा वाले और दूसरे से कम वाले और ये की आखिर में चलेगी और जो राइट मोस्ट होगा वो होगा राइट मोस्ट की से बराबर या बड़ी वैल्यूज को इसकी एग्जांपल आप आगे देखेंगे अब इंडेक्स एंट्रीज़ क्या हो सकती हैं उसमें हो सकती है कि सर्च की वैल्यू मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा था कि अगर नेम पे है तो की वैल्यू क्या है हमारे पास की वैल्यू फर्ज हमारे पास है अमजद और कॉमा पेज आईडी वो उस पेज का आईडी डी के जिस पेज पे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड मौजूद है ये एग्ज़ाम्पल है कि वहाँ पर क्या हो सकता है तो उस पेज पर जाके आप वहाँ पर जो ना लीव्स के ऊपर जाके आप एंट्रीज को सर्च करते हैं और अपने रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं अब यहां पे जो हम आप एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं उसमें सूरत यह है कि आपके पास जो नोड है उसमें दो कीज की गुंजाइश है जब दो कीज हैं इसका मतलब कि उसमें तीन पॉइंटर होंगे जो आपको आगे देखने जा रहे हैं अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है ट्री इंडेक्स की इसमें आप देखिए कि हमारे पास जो नोड्स हैं इसमें वैल्यूज जो हैं वो दो स्टोर्ड हैं की की वैल्यू दो स्टोर्ड है और पॉइंटर इसमें तीन है अच्छा इसमें एक और चीज आप ये देखिए कि जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर है वो उसको नोड को पॉइंट करेगा कि जो फर्स्ट वैल्यू से स्मॉलर जितनी वैल्यूज हैं वो कंटेन करती हैं और जो उसके जो दूसरा पॉइंटर है वो कहता है कि जो इस वैल्यू से बराबर या इससे बड़ी वैल्यू है और जो आपका राइट right मोस्ट आपके पास है पॉइंटर आपका वो करेगा जो सेकंड की वैल्यू स्टोर है उसके बराबर या जो से बड़ी वैल्यू है तो ये एक जनरल आइडिया है कि कैसे आपका जो ना एक आ, ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें देखें कि फर्स्ट करें आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है मिसाल के तौर पे यू वांट टू सर्च अ रिकॉर्ड विद द वैल्यू ऑफ से ऑफ 35 फाइव की अगर हमें सर्च करनी है तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट रूट से स्टार्ट करेंगे आप अब आप अपनी वैल्यू को कंपेयर करेंगे रूट में जो फर्स्ट वैल्यू उसके साथ अब फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर है रूट में वो है फोर्टी अब आप देखेंगे कि जो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है लेफ्ट जैसे मैंने आपसे कहा थर्टी फाइव है थर्टी फाइव फोर्टी से छोटी है बराबर है या बड़ी है थर्टी फाइव इज लेस देन फोर्टी तो आप क्या करेंगे कि आप इसका जो लेफ्ट का लिंक है उसको फॉलो करेंगे जब उस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप उस, तो उस नोड पे आ जाएंगे जहां पे के 20 और 33 स्टोर है अगेन यू विल कंपेयर योर वैल्यू विद फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी से कंपेयर करेंगे तो इससे क्या क्या चूंकि आपकी जो थर्टी फाइव ट्वेंटी से बड़ी है तो आप इसके जो लेफ्ट के लिंक है उसको फॉलो नहीं करेंगे फिर आप देखेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे थर्टी थ्री के साथ जब थर्टी थ्री से कंपेयर करेंगे थर्टी फाइव जब उससे भी बड़ी है तो अब इसके जो राइट पे लिंक है थर्टी थ्री की जो राइट पे लिंक है आप उसको फॉलो करेंगे और आप उस नोड पर आ जाएंगे वेयर यू हैव गॉट थर्टी थ्री एंड थर्टी सेवन अब यहां पे इस नोड के अंदर जो कि आपके ये लीफ नोड है ये में पे आपको स्टार के साथ वैल्यूज नजर आ रही हैं ये बेसिकली आपके लीफ नोड है आप ये सपोज कर लें कि यहां पे आपके प्रैक्टिकली रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो यहां पर आके यू विल सर्च द रिकॉर्ड सिक्वेंशली और यह पक्की बात है कि जो आपके लीफ नोड हैं उनके अंदर जो आपके रिकॉर्ड हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में अब आपने थर्टी फाइव को कंपेयर किया थर्टी थ्री के साथ उससे बड़ा है आपने कंपेयर किया नेक्स्ट वैल्यू 37 के साथ नॉर्थ थर्टी सेवन इज ग्रेटर दैन यू दे एक बड़ी वैल्यू तक तो पहुंच के एंड यू यूट फाइंड द 35 फाइव रिकॉर्ड रिकॉर्ड इसका मतलब यह है कि जो 35 फाइव वैल्यू के साथ जो आपका रिकॉर्ड है वो यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता सिंपल अब देखिए कि सिक्वेंशियल सर्च की नस्बत आपने बहुत कम एक्सेसिस में बहुत कम कंपेरिजन के दौरान यू

फोर्टी सिक्स इज योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड और वो फिफ्टी वन से छोटा है क्योंकि छोटा है तो आप इसके लेफ्ट लिंक को फर्स्ट है उसको फॉलो करेंगे आप उस लीफ नोड पे पे आ जाएंगे जहां और 46 पड़े हुए हैं अब आप फोर्टी से कंपेयर करेंगे को इससे बड़ा है आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे वेन यू रीच द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नोड जहां पे फोर्टी सिक्स पड़ा हुआ है जब कंपेयर करेंगे दे आर सेम तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड

इस पर स्मॉल स्केल पे भी आपको अंदाजा हो गया कि इसमें आपको थोड़ी सी एक्सरसिज के बाद आप अपने डिजायर्ड रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं तो ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर है आपके पास कि आपका जो ट्री डेक्स ऑफ कैसा होता है अब बाकी जो तीन, दो तीन स्लाइड वो तेज़ी से गुजारूंगा जिसमें कि आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जब डिफरेंट कीज इसमें रिकॉर्ड इसमें एंटर होते चले जाएंगे तो उस वक्त जो है वो आपके ट्री की शक्ल कैसे चेंज होगी जब मिसाल के तौर पे आप देखिए अब मिसाल के तो तौर पर जो इस स्लाइड हमने कहा कि हम इस फाइल के अंदर फर्ज करें हम एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं जिसमें इस की की वैल्यू जो है वो ट्वेंटी फाइव है तो रिकॉर्ड कैसे एंटर होगा उसका तो ट्री की शेप क्या हो जाएगी ये बन जाएगी इस आप देखिए कि जो आपके पास रूट से नीचे लेवल पे एक और नोड क्रिएट हो गया और यूं आपको ट्वेंटी फाइव एडजस्ट हो गया इस तरह से आप देखें हमने ट्वेंटी टू इस इंसर्ट कर दिया और ये होते होते अब एक स्टेज ऐसी आ गई है अगर आप देखें कि इसमें अब आप आपका जो ट्री है उसका एक लेवल इंक्रीज कर गया यानी आप देखे कि पहले आपके पास जो लेवल थे वो इस सिर्फ जो पहले ट्री था उसमें लेवल थे आपका सिर्फ दो थे अब यहां पर लेवल कितने थ्री हो गया क्योंकि आपका जो अब आप जो रूट नोड है वो एक साथ और ऊपर चला गया इस तरह से होता यह कि आपका जो लीफ नोड्स हैं उनसे डिस्टेंस सेम रहेगा और आपका जो ट्री है ये ऊपर की साइड पर ग्रो करता रहेगा और इस तरह से आपका जो ट्री जो पॉपुलेट होता रहेगा और आपका इंडेक्स मेंटेन होगा अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो लीफ नोड्स हैं जो उसमें हमने कहा हुआ था कि वहा पे हमने वैल्यूज़ और स्टार प्लेस किया हुआ था सवाल ये पता होता है कि वहां पर उन लीफ नोड्स में क्या पड़ा हो सकता है या क्या वहां पे हो सकता है उससे आपको फिर ये सारी पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी कि जो इंडेक्स फाइल्स हैं या जो ट्री इंडेक्स है वो कैसे इस्तेमाल होता है किसी रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को सर्च करने में वट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द इंडेक्स फॉर की वैल्यू के दे आर थ्री अल्टरनेटिव पहली ऑप्शन तो ये है कि एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड विद की वैल्यू के यानी आपके पास जो लीफ नोड्स हैं वहां पे आपके प्रैक्टिकली रिकॉर्ड्स ही स्टोर्ड हैं जैसे हमने दिखाया था कि दो हमारे पास एक लीफ नोड में दो हमारे पास आ सकते हैं वैल्यूज तो वो बेसिकली रिकॉर्ड्स ही हैं लीफ नोड के अंदर यानी बजाय सिर्फ की वैल्यू के यानी कि की वैल्यू तो स्टोर तो ही है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड तो ना सिर्फ के की वैल्यू स्टोर्ड है बल्कि पूरे पूरा वहां पर रिकॉर्ड ही स्टोर है तो जब आपने लीफ नोड में उस पर्टिकुलर की वैल्यू तक पहुंच गए इसका मतलब यह है कि आप उस रिकॉर्ड तक ही पहुंच गए लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें जो आपको सुरक्षा नजर आ रही है वो ये है कि इसमें आपको ज़्यादा वो फिजिबल यू नजर आ रही है कि जब आपके पास यूनिक हो कि एक वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास एक ही यानी रिकॉर्ड है दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि के, के यानी वो वैल्यूज़ की जो भी हमारा इंडेक्स एट्रीब्यूट है जो जो भी जिस जिसपे हमने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है और साथ ही उसका रिकॉर्ड आईडी ऑफ मैचिंग डाटा रिकॉर्ड यानी वो रिकॉर्ड जिसमें के ये वैल्यू है रिकॉर्ड की उस एट्रीब्यूट की उसकी आईडी जैसे हमने बात की थी ना एक रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर की इन्वर्टेड फाइल्स के अंदर भी और पॉइंटर्स के अंदर भी वही सूरत यहां पे है कि आपका जो एक कीवेड स्टोर होगी साथ ही एक पॉइंटर होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा फिजिकली उस लोकेशन को कि जहां पे वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो एड्रेस भी हो सकता है और वो एक रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर भी हो सकता है जैसे कि हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं और दूसरी ये है कि के, के यानी वो की की वैल्यू और लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आईडीज ऑफ मैचिंग डाटा रिकॉर्ड्स अब खास खासतौर तो पर जब हमने लिस्ट की बात की है तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास सेकेंडरी की के केस के में ये ज़्यादा हमें मतलब ज्यादा ये सूटेबल है ये ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जाहिर है कि एक ही वैल्यू की की के अगेंस्ट सेकेंडरी की केस में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं तो या तो आप ये है कि आप जो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज के साथ जो रिकॉर्ड हैं उनकी मल्टीपल एंट्रीज करें लीफ रोड में और उस केस में फिर आपको जब आपको एक दफ़ा रिकॉर्ड मिल जाए तो आपको सिक्वेंशल सर्च करनी पड़ेगी कि ऐसे कितने और रिकॉर्ड हैं क्योंकि अगर वो होंगे तो साथ साथ पड़े होंगे या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप उनके तमाम के आईडी स्टोर कर लें तो वो एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आईडीज होगी जिसका पता चल जाएगा फर्स्ट का जैसे हमारे पास पिछले एग्जाम्पल में अमजद है अमजद के हमारे पास दो रिकॉर्ड हैं तो अगर हम रिकॉर्ड आईडी स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आईडी स्टोर करनी पड़ेगी कि अमजद और साथ ही उन रिकॉर्ड्स की आईडीज आईडीजन कॉमर टू के फर्स्ट पे भी अमजद के साथ हमारा रिकॉर्ड है और टू के ऊपर भी हमारे पास अमजद का रिकॉर्ड है तो इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड जिनमें के सेम वैल्यू है उसकी एट्रीब्यूट की उसकी एट्रीब्यूट की वो तमाम का आईडीज होंगे जो हमारा अल्टरनेटिव वन है उसमें अगर देखें तो एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड और जराकी की, की वैल्यू के साथ स्टोर है इफ दिस इज यूज्ड इंडेक्स स्ट्रक्चर इज ए फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डाटा रिकॉर्ड्स ही फाइल में या सॉर्टेड फाइल में या इंडेक्स सिक्शन में वो यही वही सूरत हाल आप जैसे आपसे कहा ना कि वो आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन ही है क्योंकि आपका जो जो आपका लीफ नोड है वो की की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और साथ ही रिकॉर्ड भी है तो फिर इंडेक्स फाइल तो हुई से हुई साथ ही ये आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई हाँ ये बात तो जाहिर है कि आप जो आल्टरनेटिव वन है दैट यू कैन अडॉप्ट ओनली फॉर वन एट्रीब्यूट क्योंकि जाहिर है कि अगर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट के लिए कर रहे हैं देन बेसिकली यू आर डुप्लीकेटिंग द डाटा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जैसे स्टूडेंट केस में अगर स्टूडेंट आईडी यूनिक है एक और साथ ही फ़र्ज़ करें उसमें नेशनल आईडी कार्ड भी स्टोर है अगर तो वो भी यूनिक है तो अगर दोनों पे हम यानी अगर ये ट्री इंडेक्स इस्तेमाल करें और लीफ नोड्स के ऊपर हम स्टोर कर दें डाटा डायरेक्टली रिकॉर्ड स्टोर कर दें जैसा कि अल्टरनेटिव वन में कहता है इसका मतलब यह कि वी आर स्टोरिंग द रिकॉर्ड्स एट टू प्लेसेस एक दफा स्टूडेंट आईडी के रेफरेंस से एक दफा नेशनल आई कार्ड के रेफरेंस से तो वो जहरा कि ऐसा जो है वो दैट वुड बी इन कि आप जो है ना वो उसमें टेंडेंसी जो है उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि यहां से ये यह बात क्लियर है कि जो आप वन है वो आप एक इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो नॉर्मली हम पहले बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो नॉर्मली प्राइमरी की के ऊपर ही होता है कि जिसके आपके प्राइमरी की है उसके बेस पे आपका ये ट्री इंडेक्स बनेगा और लीफ नोड्स जो है दे कंटेन प्रैक्टिकली फिजिकली द रिकॉर्ड्स अदरवाइज जो है वो अगर जो बाकी ऑप्शन फर्ज करें अगर आपने किसी और के ऊपर अप्लाई करना है इंडेक्स क्रिएट करना है और ट्री इंडेक्स के जरिए इंप्लीमेंट करना है कि आपके पास लीफ नोड में की की वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई बल्कि पूरा रिकॉर्ड ही पड़ा हुआ तो एक तो स्ट्रेट वेब को फायदा यह हो गया कि आपको पॉइंटर फॉलो करने की अब जरूरत नहीं है कि यू गॉट द की वैल्यू रिकॉर्ड एट द सेम प्लेस तो यह कॉन्मेंटिट हो गया लेकिन जो इसकी अब जो तो इस बात। बात जो जो आप जो नेगेटिव साइड एक एट्रीब्यूटरी डाटा एंटर कर रहे हैं अगर वो उसमें बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है डिसऑर्डर से है कि आप की, की जो वैल्यू है उसको सीक्वेंस में डाटा एंटर नहीं कर रहे बल्कि गैप दे रहे हैं और दोबारा से वैल्यूज गैप वाली दे रहे हैं मिसाल के तौर पर आपने रिकॉर्ड नंबर वन दिया फिर टेन दिया फिर फिफ्टीन फिर ट्वेंटी फिर ट्वेंटी फाइव फिर थर्टी थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर फोर्टी एट फोर्टी नाइन ऐसे गैप से दिया अब आपकी फाइल पॉपुलेट होती जा रही है आपके नोट बनते जा रहे हैं और वो अब आपका से एक नोट हो सकता है कि रिकॉर्ड नंबर जो है वो है वन आ गया और टेन आ गया दो अगर रिकॉर्ड हो सकते हैं अब फर्ज करें बाद में जाके

मूव करने पड़ेंगे और ये तमाम ऊपर तक तमाम इंडेक्सेस में जो चेंजेस होंगी हायर लेवल्स तक तो इसलिए वो इसमें आप ये जहन रखें कि अगर आपने देखिए जाहिर है कि आप फोर्स तो नहीं कर सकते जिस जगह डाटा एंट्री हो रही है यू कैन आट फोर्स दैम ऑलवेज एंटर द डाटा इन द ऑर्डर ऑफ द की यू कैन एडवाइज दैम कि दिस इज बेटर कि आप इस तरह से कर लें लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते तो अगर ऐसा हो रहा तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्होंने डाटा एंट्री करते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा गैस दिए और दोबारा गैप्स रुकआउट दिए तो आपको ये समझ आना चाहिए एज ए एज ए डिज़ाइनर एज ए डी बी ए के देर इज़ प्रॉब्लम जो आपकी जो है ना वो इतनी एफिशियंटली एक्सेस नहीं हो रही तो आप एक तरीका उसका ये कर सकते हैं कि जब आपकी फाइल पॉपुलेट हो जाए तो आप उसको नए तरीके से क्रिएट कर लें नए सिरे से और अब जितने आपके पास फाइल में रिकॉर्ड मौजूद हैं वहाँ से बारी बारी पढ़ें और एक दफ़ा तो थोड़ा इन एफिशियंट हो जाएगा लेकिन फिर ये होगा कि वो नए उसमें स्ट्रक्चर में जो नया आपकी फाइल बनेगी उसमें वो ऑर्डर भी आ जाएंगे तो ये बहाल आपका ये है यह है कि यानी आपके जो अल्टरनेटिव वन है जिसमें आपने लीफ नोट के अंदर की स्टोर की, की हुई है वो ऑप्शन तो है कि वो आपको जो पॉइंटर फॉलो करने नहीं पड़ता लेकिन वो इंसर्शन सर्शन अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो तो उस केस में वो प्रॉब्लम कर सकता है अल्टरनेटिव टू एंड थ्री और वो क्या है वो ये है कि इन द लीफ नोड वी हैव जस्ट द की वैल्यू और साथ में उनके पॉइंटर्स चाहे वो सिंगल पॉइंटर हो चाहे वो एक लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हो उसमें क्या है कि ये जैसे हमने कहा कि रिकॉर्ड आईडी ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड थ्री क्या है कि लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आई डीज इजियर टू मेंटेन देन आल्टर वन इसलिए कि जब आपको कोई इंसर्शन डिलीशन करनी है जो कि मतलब आउट ऑफ ऑर्डर है तो उस केस में राधर देन मूविंग द रिकॉर्ड्स आपको सिंपली पॉइंटर्स जो हैं उनकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको पॉइंटर प्लेस करने पड़ेंगे तो वो इसको मैनेज करना नस्बता आसान है इफ़ मोर देन वन इंडेक्स इज रिक्वायर्ड ऑन ए गिवन फाइल एट मोस्ट वन इंडेक्स कैन यूज यूजरनेटिव वन जहरा जी हम पहले बात कर चुके हैं रेस्ट मस्ट यूज अल्टरनेटिव टू और थ्री है कि वो आपके जो फिजिकल रिकॉर्ड स्टोर हैं वो तो आपके, आपके, आपके वन के ऊपर उसके ऊपर हैं जो कि आपकी की है अब जो बाकी इंडेक्सेज है आपके वो टू इस्तेमाल करेंगे या थ्री इस्तेमाल करेंगे और ये भी आपको समझ आ चुका है कि अगर वो यूनिक है इट कैन गो फॉर ट्रू But if it is not unique, then obviously it, it has to be 3. Alternative 3 more compact than alternative 2, but leads to variable size data entries even if search keys are of fixed length. Now have flexibility. Hai paas. You have left the option of storing the list of IDs, record IDs. तो अगर यूनिक भी है तो इसका मतलब है कि उस लिस्ट में आपके पास एक ही एलिमेंट है इट कैन वर्क इट कैन स्टिल वर्क लेकिन अगर आपके पास जैसे सेकेंडरी की है कि यू हैव गॉट द मल्टीपल एंट्रीज मल्टीपल आपके पास रिकॉर्ड विद द सेम वैल्यू अब उस केस में ऑब्वियसली यू हैव टू स्टोर द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आईडीज लेकिन आप देखें ये फ्लेक्सिबल तो है लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम भी आ जाता है कि जो आपकी अब आप एक नोट का साइज है दैट यू कैन नॉट फिक्स देट हैज टू बी वेरिएबल सम हाउ जैसे भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी क्योंकि जाहिर है कि आप ये तो फिक्स नहीं कर सकते कि किसी एक या तमाम के अंदर कितने एंट्रीज होंगी एक खास वैल्यू की किसी में मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आईडीज़ है किसी में एक रिकॉर्ड भी हो सकता है किसी में दो भी हो सकते हैं किसी में दस भी हो सकते हैं किसी में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं इसका मतलब यह कि जो आपके पास लीफ नोट में जो आपके पास एंट्रीज आनी है उसमें जो आपके पास एक तो वैल्यू हो गई अब जो आपके पास लिस्ट है फॉर रिकॉर्ड आईडीज उसको आपको वेरिएबल हम हो करना पड़ेगा उसकी इंप्लीमेंटेशन के बहुत से तरीके हो सकते हैं वो इस यहां पे हम डिस्कस नहीं करने जा रहे लेकिन कहने का मतलब यह कि वो आपको जो आ, उसका एडवांटेज तो है कि वो इट इज इट इज़ कॉम्पैक्ट लेकिन साथ ही जो उसकी एक ओवर है जो उसका नेगेटिव साइड है कि वो आपको जो एंट्रीज हैं उसका साइज डिटर्मिन नहीं कर सकते इट हैज़ टू बी वेरिएबल चाहे जो आप सर्च कर रहे हैं वो फिक्स साइज की हो होर पर वो इंटीजर है वो फिक्स साइज की है इवन देन आपकी जो एंट्रीज हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं वो वेरिएबल होंगी क्योंकि यू कैन नॉट डिटर्मिन द नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इवन वर्स फॉर लार्ज रिकॉर्ड आईडी द डेट एंट्री वुड हैव टू स्पैन मल्टीपल ब्लॉक्स यस जब आपके पास यानी बहुत सारे पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज हों कि आपके पास एक एंट्री के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं उसमें जो ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है ये काफ़ी ज्यादा मुश्किल होता है हैंडल करना बट द थिंग इज के अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू डू दैट डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इंडेक्स फाइल्स की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस की हैं और जैसे मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि इन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स को पढ़ने का फायदा ये है कि एज ए डेटाबेस पर्सन एज ए डेटाबेस एक्सपर्ट आप सिंपली चीजों को इस्तेमाल ना करें बल्कि आप उनके बेनिफिट्स को उनके एडवांटेज को उनकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करें और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये फीचर इस्तेमाल करने जा रहा हूं तो इसकी अंडरलाइन कॉस्ट जो है कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कास्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कास्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम वो क्या है तो ताकि आप अपने रिसोर्सेस का अपनी जो ऑप्शन हैं उनका एफिशेंट इस्तेमाल कर सकें तो आज के लेक्चर में वी हैव स्टडीड स्टडिड दिन फाइल्स वी हैव स्टडीड स्टडिड लिंक लिस्ट और द पॉइंटर चेंज एंड वी हैव स्टडीड है ट्री इंडेक्स कि इन तीन मुख्त तरीक़ों से हम इंडेक्सेज को इम्प्लीमेंट इंडेक्स इंडेक्स कर सकते हैं इसके अलावा और भी तरीके हैं लेकिन ये तीन आपके मेजर तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इंडेक्सेज को जनरली इम्प्लीमेंट करते हैं और हर एक के जो बेसिक uh, आइडिया है जो उसके एडवाटेज और डिसएडवान्टजेज हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं इंडेक्सेस के टॉपिक uh, को हम कंक्लूड करेंगे और व्यूज़ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने अगले, अगले लेक्चर में अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़